दीपावली का त्योहार करीब है और ऐसे में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए भले ही स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद अभी ना टूटी हो, लेकिन सीएम उड़न दस्ते ने कहीं ना कहीं अपनी एकाग्रता दिखा दी है और सक्रियता बढ़ा दी है मिलावटखोरों के खिलाफ। जी हाँ, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रजापति चौक के पास एक गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की। इनको सूचना मिली थी कि यहाँ पर मिलावट की मिठाइयां तैयार की जा रही है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी सीएम फ्लाइंग सक्रिय नजर आ रही है और दीपावली के मौके पर मिलावटखोरों की सक्रियता बढ़ जाती है क्योंकि मिठाइयों की खपत होती है और ऐसे के अंदर पहले से ही मिठाइयों की खेप तैयार होने लग जाती है। उसी को लेकर के सीएम फ्लाइंग को कहीं ना कहीं जानकारी मिली थी और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुला करके मौके पर ही इस गोदाम पर रेड की और यहाँ से कई सारे सैंपल लिए। हालांकि ये काम करना चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अपनी नींद से जगा नहीं, लेकिन सीएम फ्लाइंग ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूचना मिली उस पर कार्रवाई करते हुए इस गोदाम पर रेड मारी और इसके सैंपल लिए कई मिठाइयों के, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे त्योहारी सीजन आता है तो मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि मिलावट हुई है या नहीं हुई है वो बाद में पता चलेगा, जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो सीएम फ्लाइंग जो वहां पहुंची है उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के कई सारे वहां पर मिठाइयों के सैंपल लिए हैं जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। लेकिन यह बड़ा सवाल उठता है कि आखिर त्योहारी मौसम पर ही क्यों ये कार्रवाई होती है, क्या बाकी दिनों मिठाइयां मिलावटी नहीं बिकती, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर अनेकों बड़े बड़े कारखाने और गोदाम हैं जहां मिठाइयों की खेप तैयार होती है। पिछली दीपावली के मौके पर भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से करीब आधा दर्जन गोदामों पर रेड पड़ी थी और एक बार फिर सीएम फ्लाइंग सक्रिय हुई है और उन्होंने ये कार्रवाई की है। हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि ये कार्रवाई कल हुई है और उसको लेकर के जो वीडियो सामने आया है वो बता रहा है कि मिलावटखोर कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए हैं। लेकिन जो दीपावली का त्योहार है ऐसे में मिलावटी मिठाई जो बनाने वाले हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो खरीदार हैं उनको भी देखना चाहिए क्योंकि इन्हीं गोदामों में से मिठाइयां बनकर के बड़े बड़े शोरूमों पर पहुंच रही है और हम लोग जिसे चाव से खाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आप भी मिलावटी मिठाई खा करके बीमार हो जाए। अब क्या कुछ कहते हैं सीएम फ्लाइंग के अधिकारी आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम को आज एक सूचना मिली के रेवाड़ी के प्रजापति चौक के पास एक दुकानदार है जो संभावना है कि शुद्ध मिठाइयां नहीं बनाते हैं, तो इसके आधार पे जब वहां पे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लेके जब चेक किया गया तो वहां पे लगभग एक क्विंटल जो है खोआ और दो क्विंटल के करीब जो थे रसगुल्ले थे और 50 किलो छेना थी और इन तीनों में से सैंपल भरा गया है जिसे डॉक्टर साहब के द्वारा टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा और फिर जैसी रिपोर्ट होगी उसी हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी।